आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। उत्तर प्रदेश कानपुर नगर में दिनांक 8 अगस्त 2021 दिन रविवार को प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भैरव घाट भैरव मंदिर थाना कोहना के अंतर्गत गरीब और असहाय लोगों को भोजन वितरण किया गया। प्रबंधक शशि यादव जी ने बताया कि हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो भोजन वितरण कार्यक्रम हमेशा सार्वजनिक रूप से चलता था उसको अब पैकिंग के रूप से कर दिया गया है। उससे कहीं भी भोजन वितरण करने में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे हम मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने या फिर गुरुद्वारे के सामने। हमें गरीब असहाय लोगों को चाहे वह किसी भी धर्म से संबंध रखता हो भोजन वितरण करने में आसानी होगी और आसानी से भोजन वितरण कर सकेंगे। इस अवसर पर हमारी प्रभु से कृपा सेवा ट्रस्ट के प्रबंधक शशि यादव, संरक्षक आर एस दुबे, अध्यक्ष राम मूर्त यादव, महामंत्री राजू शर्मा, मंत्री सत्यपाल शर्मा, कोषा अध्यक्ष श्याम जी, उपाध्यक्ष पीके जे एन शास्त्री, कनिष्ठ उपाध्यक्ष यज्ञ प्रकाश शर्मा, सचिव इंदु कुमार मिश्रा, कनिष्ठ सचिव संतोष कुमार गुप्ता, लेखाकार संरक्षक रूपेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र सिंह भदौरिया, प्रचार मंत्री मिथिलेश गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए टाइगर पासवान के साथ हबीबुर रहमान की खास रिपोर्ट। आज हमारा कार्यक्रम प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारा एक रूटीन पे कार्यक्रम चल रहा था भोजन वितरण का, उसी को हमने पुनः फिर शुरुआत किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से न बांट करके पैकिंग के रूप में ले लिया है। और वो पैकिंग का रूप ये है कि हम वृद्धाश्रम में भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं और जा करके हम भोजन वितरण कर सकते हैं। दूसरा, आज हमारा एक नया प्रस्ताव पास हुआ है कि हमारे सारे पदाधिकारी मिल करके जो हमारा लक्ष्य इस ट्रस्ट का है वृद्धाश्रम बनाने का, उसके लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करके और जल्द से जल्द उसका निर्माण कराने का काम करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे संरक्षक महोदय ने हमारे आज के अतिथि अनिल मिश्रा जी का स्वागत किया गीता भेंट करके। हम अपनी पूरी ट्रस्ट की पदाधिकारियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ हैं कि वो आगे निरंतर बढ़ते रहें और ट्रस्ट का सहयोग अपने साथियों के साथ भी करते रहें। जय हिंद। ये मैं प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट में पहली बार आया हूँ और मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था किसी ऐसे ट्रस्ट से जुड़ूँ जो लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुँचा सके, जो आजकल लोग राजनीति खेलते हैं इस चीज़ से, उससे दूर हटकर हम सोच रहे थे कि इसमें आगे काम करें। आज सुरेंद्र भैया के साथ हम आए हूँ यहाँ पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि किसी ऐसे ट्रस्ट से काम कर रहा हूँ जो डायरेक्ट लोगों की ज़रूरतमंदों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दे रहे हैं। आगे इन लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, पीछे जैसे कि लोग भोजन वितरण का समारोह का कार्यक्रम करते थे, तो पीछे कुछ प्रशासन की तरह इन्होंने मना कर दिया गया कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। आज इन्होंने नया बैठक के द्वारा चालू किया है कि पैकिंग करके आगे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको अस्पताल या वृद्धाश्रम या जिस जो ज़रूरत है उनको वितरण करेंगे। ऐसे ही लोगों से हम जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ हम काम करना चाहते हैं। आगे जो भी मुझसे सहयोग हो सकेगा या मेरे द्वारा किए गए सहयोग में प्रॉफिट हो सकता है वो कराऊँगा इनको।